सियासत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति तय करने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, आजादी का बिगुल बजाने वाला प्रदेश, वीरों और पुराणों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। वीर विक्रमादित्य दिव्य सम्राट हर्षवर्धन, हर चंद्र का सत्य यहाँ एकलव्य का गुरु दर्शन। विंध्यवासिनी देवी पाटन बाबा को रखना, तेरी धरती पर उतरी गंगा भागीरथ के साथ। विश्वामित्र वशिष्ठ सप्त ऋषियों में वांग दे, नाट्य शास्त्र संगीत जगत को दिया है सामवे। श्रृंगी दधीची कण्व अत्रि धनवंतरि भारद्वाज, छाती नाथ श्री ऋषभ देव के वट की कथाएं खास। रस खान रहीम रैदास कबीर संयोगी संत अशेष, गौतम बुद्ध ने सारनाथ से दिया प्रथम उपदेश। सभी धर्मों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश, भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, विकास पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश, सत्तर वर्ष का उत्तम प्रदेश। प्रेम का ताज महल देता सबको संदेश, वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ सदा पूर्ण परिवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 70 वर्ष का उत्तम प्रदेश और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 9 प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश देश की सियासत को तय करने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश जनसंख्या, धार्मिक स्थल, संस्कृति और साहित्य को लेकर चर्चा में रहने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस प्रदेश को लेकर जितनी भी बातें हो वो कम है। 70 सालों में उत्तर प्रदेश ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 3 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश के इतिहास और गौरव को याद करते हुए यूपी दिवस का आयोजन हो रहा है। इस बार यूपी दिवस क्यों खास है ये जानने के लिए आप देखते रहिए 70 वर्ष का उत्तम प्रदेश। चौबीस जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश को उसकी अपनी पहचान मिली थी। इन 70 सालों में यूपी ने कई आयाम गढ़े हैं, फिर वो प्रदेश और देश की सियासत को लेकर हो या फिर विकास के पथ पर लगातार बढ़ते रहने। उत्तर प्रदेश पिछले कई सालों से उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। 70 वर्ष का उत्तम प्रदेश कैसा है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 70 साल का हुआ उत्तर प्रदेश, तीसरी बार यूपी दिवस का दीदार। तीन दिन तक चलेगा स्थापना दिवस समारोह। प्रदर्शनी और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। गंगे भवन गंगे भवन गंगे भवन
उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश को बने 70 साल हो चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। यूपी के जन्म दिवस के मौके पर यूपी सरकार 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में यूपी दिवस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन शहीद पथ के नजदीक अवध शिल्प ग्राम के पर्यटन विभाग के जरिए किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों में कई तरीके की प्रदर्शनी, रंगारंग कार्यक्रम और सरकार के आयोजनों का लोकार्पण शामिल है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय योजना का शिलान्यास किया। 70 वर्ष पूर्ण होने पर तीसरा स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश अपना मना रहा है, तब हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है और ये है सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि थी, और यह योजना है अटल आवासीय विद्यालय की। ये अटल यानी 18 कमिश्नरी हैं हमारे पास, 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय। इसके साथ ही सीएम योगी ने अटल आवासीय विद्यालय योजना के पीछे उन श्रमिकों और गरीबों का कल्याण करना बताया जो मेहनत मजदूरी करने के लिए एक जिले से दूसरे जिले भटकते रहते हैं। ऐसे में उनके साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ कोई लापरवाही ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो सके, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। हर नागरिक के लिए शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, सब योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को बराबर मिले और उस योजना को बराबर देने के लिए समाज, क्योंकि श्रमिक आज लखनऊ में है, कल कानपुर में चला गया, अगले महीने आगरा चला गया, उसके साथ ही उसके बच्चे भी जाते हैं और वे पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ रह जाते हैं, घूमते हैं बेरोजगार के रूप में, उन्हें बहुत ही वैसी स्थिति उनके सामने पैदा होती है। हम अपने किसी भी उस यानी ये समाज की का दायित्व बनता है और शासन को इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे आना ही चाहिए, इसलिए 18 कमिश्नरी में 18 आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास भी आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से आज यहां पर संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कौन कौन सी घोषणाएं की, बेटियों को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा, युवाओं को लेकर सीएम योगी का क्या प्लान है, ये सब बताएं। इससे पहले आपको बता देते हैं, यूपी दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय पूर्व राज्यपाल राम नाईक को जाता है। उन्हीं के सुझाव को मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में इसे शुरू किया। मुंबई में यूपी दिवस समारोह बरसों से होता रहा है और इसी को देखते हुए अब यूपी में भी शानदार तरीके से यूपी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आपको यूपी दिवस से जुड़ी कुछ और खास बातें बताते हैं। 24 जनवरी 1950 से पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को उसका नाम मिला। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान यूपी को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया। इसके साथ ही आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास बताते हैं जो कम से कम उत्तर प्रदेश में रहने वालों को जानने की जरूरत है। कहा जाता है 2000 ईसा पूर्व में जब आर्य आए, तब से हिंदू संस्कृति की इस राज्य में नींव पड़ी। उत्तर प्रदेश और यूपी दिवस से जुड़ी कई बातें तो आपने जान ली, अब आपको एक बार फिर से यूपी दिवस में सीएम योगी की उन बड़ी बातों की तरफ लेकर चलते हैं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ हैं। यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने गरीब बेटियों का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी तो बेटी होती है और इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। जिस बेटी की शादी नहीं हो पाती उनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना है, और अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, बालिका की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदेश सरकार ने तय किया है तो बेटी तो सबकी होती है, इसलिए उस बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से देने का कार्य कर रही है। विगत वर्ष से योजना चल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 1 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हम लोग प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। तो सुना आपने, सीएम योगी बेटियों के भविष्य को लेकर कितने सजग हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने युवाओं को लेकर भी बड़ी बातें की।
युवाओं को फोकस करते हुए कुछ नई योजनाओं को साथ लेकर के हम लोग आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि युवाओं के लिए समर्पित यह वर्ष निश्चित ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में एक नया और निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने जो जो घोषणाएं की हैं उससे उत्तर प्रदेश विकास की ओर लगातार अग्रसर है। आगे हम आपको यूपी से जुड़ी कई बातें बताएंगे, साथ ही यूपी दिवस पर उस गाने की एक एक खास जानकारी देंगे जो उत्तर प्रदेश की गाथा को गाता है, साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां भी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश वैसे तो इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ आपको कुछ ही दूरी पर अलग अलग बोली वाले लोग मिल जाएंगे, चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक सबकी अपनी पहचान है। कहीं राजनीति है तो कहीं खेती है, कहीं अदब है तो कहीं सांस्कृतिक धरोहरों का संगम। देश से लेकर विदेश तक यूपी क्यों खास है, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश ये राज्य अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है और कई विविधताओं के चलते हर वक्त सुर्खियों में रहता है। जनसंख्या, धार्मिक स्थल, संस्कृति और साहित्य के अलावा राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की चर्चाएं न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी होती है। हिंद का है तू ही सिर मोर, सम्मान है तू, विश्व वरणीय पूज्य भारत की पहचान है। कृष्ण विश्वनाथ कर्त कण कण में वास, वाल्मीकि भृगु सूर तुलसी और वेद व्यास, अयोध्या मथुरा प्रयाग अमृत काशी विशेष, जहाँ जन्म लेने को हर्ष है ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्तर प्रदेश का सदियों पुराना इतिहास रहा है, इसका 4000 साल का समृद्ध अतीत भी रहा है। ये राज्य गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है। इतिहास में कई साम्राज्यों के बनने बिगड़ने का महत्वपूर्ण कहानी ये राज्य बयां करता है। वीर विक्रमादित्य दिव्य सम्राट हर्षवर्धन, धीची कणव अत्रि धनवंतरि भारद्वाज, छातिनाथ श्री ऋषभ देव के मत की कथाएं खास, रस खान रहीम रैदास कबीर संयोगी संत अशेष, गौतम बुद्ध ने सारनाथ से दिया प्रथम उपदेश। पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं, तो वही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी ताजमहल भी यूपी में ही है। तीर्थ स्थानों में वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट, प्रयागराज, मथुरा, देवा शरीफ को लेकर लंबी लिस्ट है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का आजादी और वीर गाथा को लेकर गहरा नाता भी रहा है। अशफाकुल्ला मंगल बिस्मिल्ला
चंद्र महादेव शिरा ध्यान चंद का देश धर्म कला साहित्य योग तप सब का समावेश अमर प्रेम का ताज महल देता सबको संदेश वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ सदा पूर्ण तमाम खूबियों के चलते ही उत्तर प्रदेश की अहमियत सबसे अलग है और यही वजह है यूपी दिवस को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। एक मंच पर सतरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने यूपी दिवस को एक नया रूप दिया है जिसपे एक साथ यूपी की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई। तीन दिन तक चलने वाले यूपी दिवस में पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और कई मंत्री मौजूद रहे। इसके साथ ही बता दें, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को प्रदेश के कलाकार सांस्कृतिक और लोक कला के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान यूपी के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राम की विश्व यात्रा, कृष्ण और महाभारत पर आधारित लघु चित्रकला का प्रदर्शन भी किया जाएगा। समापन समारोह को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से यूपी दिवस के तौर पर उत्तर प्रदेश के इतिहास और गौरव के 70 सालों का जिक्र हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश के लिए यादगार पल है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव यूपी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनसे फिल्मों और पर्यटन को लेकर सहयोगी संदीप खेर ने खास बातचीत की है। चलिए वो बातचीत आपको सुनाते हैं। यूपी दिवस के कार्यक्रम स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे सर कार्यक्रम को लेकर? मैं इसी माटी का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में मैं यहाँ हंसाने के लिए आया हूँ, और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। पूरी दुनिया में कार्यक्रम होते हैं, जब उत्तर प्रदेश में करता हूँ तो अलग ही आनंद होता है और गर्व का अनुभूति होती है। नवाबों के शहर लखनऊ से आपका बहुत लगाव रहा है, अक्सर आप यहाँ की यादों को टीवी चैनलों पे भी दिखाते रहते हैं। सर, आज काफ़ी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, पुरस्कार भी दिए गए, कैसा लगता है अगर कलाकारों के साथ ऐसा हो? बिल्कुल, कलाकारों को बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए और मुझे लगता है उनको अवार्ड भी मिलने चाहिए, लेकिन जो सही कलाकार हो, जो समर्पित हो, दरबारी ना हो, है ना। मुंबई में आप स्थापित हो चुके हैं, फिर भी आप लखनऊ में आते हैं। वर्तमान जो सरकार है सर, वो लगातार कलाकारों को लेकर आगे बढ़ रही है, उनको पुरस्कृत कर रही है, लगता है आपको कहीं ना कहीं से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है सर? बिल्कुल, ये तो पहल है ही है उत्तर प्रदेश सरकार की कि टूरिज्म बढ़े, और उसी के तहत मुझे फिल्म विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग यूपी में करवा रहा हूँ और फिल्म वालों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लखनऊ में आएँ, उत्तर प्रदेश में आएँ, शूटिंग करें। जब ज़्यादा शूटिंग होगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, कलाकारों को भी काम मिलेगा। अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहें सर, दर्शक भी काफ़ी उत्साहित होते हैं, कुछ सर बताएँ? नहीं, अभी तो मेनली यही है कि अधिक शूटिंग हम यूपी में करवाएं, और जैसे अभी हम लोगों ने टैक्स फ्री किया है ताना जी को,
और अगर कोई जल बचाव पे कोई फिल्म बनाता है पानी संरक्षण को लेके तो हम उसको भी टैक्स फ्री करेंगे। हमारे साथ हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव मौजूद थे। लगातार उनका कहना यह है कि जिस तरह के प्रयास सरकार कर रही है कहीं ना कहीं से उससे कलाकारों को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।